आइए आज एक्टिव और पैसिव वॉइस का अध्ययन करते हैं। तो आपके पेपर में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक क्वेश्चन वैसे भी आएगा, और ट्रांसलेशन के लिहाज से भी इसको पढ़ना चाहिए। अब हिंदी से इंग्लिश में आपको करने के लिए भी आ जाएगा। और देखते हैं एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जैसे आप टेंस पढ़े हो तो टेंस के सारे वाक्य जो है एक्टिव वॉइस में रहते हैं, तो उसका पैसिव वॉइस में भी कहा जाता है। मतलब हम दो प्रकार से किसी बात को कहते हैं, ठीक है। एक होता है कि जैसे मान लीजिए कि राम किताब पढ़ता है, तो सीधे सीधे बता दिए कि राम कोई काम करता है भाई। अब ऐसे भी कह सकते हैं इसको हम किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है, तो घुमा के कह दिया जाता था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये सब इसमें इस तरह से किया जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं रूल क्या क्या है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा, सारे रूल्स भी जान लेते हैं। और इसके पहले हम आपको एक्टिव पैसिव के बारे में डिटेल वीडियो पढ़ा भी चुके हैं, एक्टिव एंड पैसिव वाइज रमेश सर, सर्च करेंगे तो आ जाएगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में और अलग से भी। तो यहाँ आपको वाक्य का अनुवाद करने के लिहाज से बताया जा रहा है, बाकी रूल्स भी आपके कन्फर्म हो जाएंगे, तो दोनों दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखिए नियम पहले देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एक्सरसाइज देखते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस में उन्हीं वाक्यों को बदला जाता है जिनका वर्ब ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव माने होता है सकर्मक, सकर्मक मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिस जो क्रिया ट्रांजिटिव हो यानी सकर्मक हो, कर्म के साथ हो, तो उसी के पैसिव वॉइस बदला जा सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। इन ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो जिसमें कर्म ही नहीं रहेगा तो कैसे बनेगी, क्योंकि कर्म को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, कर्ता कर्ता को कर्म इसमें बनाया पड़ता है। तो नियम नंबर दो कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस में बदलते समय एक्टिव वॉइस के वाक्य का कर्ता बदल कर पैसिव वॉइस के वाक्य में कर्म बन जाता है, तथा इससे पहले बाई का प्रयोग किया था, यानी कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, ये काम करना होगा। और जो ऑब्जेक्ट आप बनाओगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, उससे पहले आपको बाई भी लगा देना है, ये दो काम है करना है। तीसरा क्या है, एक्टिव वॉइस के वाक्य के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के एक्टिव वॉइस के वाक्य के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, ये भी पता चल गया। यदि किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय इनमें से किसी एक को सब्जेक्ट बना देते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को वैसे ही रहने देते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे वर्ब के बाद है जहाँ वहीं आप रहने देंगे, तब बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक। अभी उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। अगला पांचवा रूल है कि पैसिव वॉइस में वर्ब टू बी मतलब होना, बी माने होना, तो टू बी के अंतर्गत इज एम आर वाज वर बी बीन बींग इतनी क्रिया आती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ बी क्या है, बी बेस फॉर्म है, मूल रूप है, बी हमेशा अपने ओरिजिनल रूप में सेल या बिल के साथ ही आती है, ठीक। बाकी सभी के साथ क्या आती है, फ्यूचर इंडिफिनिट में आती है सेल या बिल के साथ, प्रेजेंट इंडिफिनिट में बी का बी नहीं आती है अपने ओरिजिनल रूप में, इज एम आर के रूप में आती है। बी माने होना, इज माने भी होना, जैसे हम कहते हैं मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद होता है, तो होना कहेंगे इज हो जाएगा, ठीक है। डॉग इज फेथफुल, कुत्ता वफादार होता है, ठीक। इस तरह से मतलब इज एम आर, ये इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इज एम आर के रूप में आती है तब इसके साथ आईएनजी नहीं रहती है, पास्ट इंडिफिनिट में ये वाज या वर के रूप में आती है तब इसके साथ आईएनजी नहीं रहती है, फ्यूचर इंडिफिनिट बिल या सेल के साथ बी आती है ओरिजिनल रूप में अपने, ठीक। अब बिल बी माने होगा, जैसे ही बिल बी इन द मीटिंग, वह मीटिंग में होगा, तो बी वहाँ बी के साथ अगर आईएनजी नहीं है तो ये टू बी क्रिया मानी जाती है। और बीन तो थर्ड फॉर्म होता है, जैसे आई हैड नेवर बीन इन मुंबई, मैं मुंबई में कभी नहीं गया था, गया हूँ ये मुंबई नहीं गया हूँ, तो नेवर बीन इन मुंबई हुए, तो बी का थर्ड फॉर्म भी बीन होता है, ठीक। जैसे ही हैज़ बीन रिच, वह अमीर रहा है, तो हैज़ बीन के साथ आईएनजी नहीं लगा ना, ना तो थर्ड फॉर्म आया, तो वो भी बी का ही रूप माना जाता है। बींग तो भाई बी का आईएनजी फॉर्म बींग हो भी करता है, ठीक। बी में आईएनजी जोड़ोगे तो बींग ही होगा ना, तो ये भी मतलब बी क्रिया के इतने रूप है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, जान लीजिए वाज वर ये मतलब बी का सेकंड फॉर्म है, बी जो है तो बेस फॉर्म है, मतलब बीन जो है आपका थर्ड फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है। तो ये बता रहे हैं कि पैसिव वॉइस में इनमें से कोई ना कोई एक शब्द रहना चाहिए, इज आई एम आर वाज वर बी बीन बींग, इनमें से कोई ना कोई एक शब्द रहना जरूरी है, और उसके साथ जो है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल माने थर्ड फॉर्म। यानी कि देखिए इज आई एम आर वाज वर बी बीन बींग ये सभी हैं कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है, कंटिन्यूअस या परफेक्ट में हैज़ बीन हैव बीन होता है, तो अगर इनके साथ आईएनजी लगता है तब तो ये टेंस मानी जाएंगी, सहायक क्रिया मानी जाएंगी, इज एम आर वाज वर से।
अगर इनके साथ आईएनजी नहीं लग रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रहा है, तो जान लीजिए वाक्य किस में है, पशु वाइस में है। तो किताब भी पढ़ेंगे तो आप पशु वाइस में वाक्य मिलता, बनाने के लिए ट्रांसलेशन आते हैं। तो आप हम इसको थोड़ा सा रूल आपको बता दे रहे हैं कहाँ क्या क्या लगता है। आप इस हिसाब से आप याद कर लीजिए कि इज एम आर कब लगेगा, जब एक्टिव वॉइस में डू या डज, ठीक है। एक्टिव वॉइस के चैप्टर डिटेल में पढ़ाया हूँ हाई स्कूल का, इंटर का दोनों। डू या डज यानी रहता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता तो कंटिन्यूअस की साइक्री इज एम आर लगाते हैं, लेकिन इनके साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो कंटिन्यूअस इसलिए नहीं माना जाता, इंडेफिनिट ही माना जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो डिड रहता है या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो उसमें वाज या वर लगाते हैं, ठीक। आईएनजी नहीं लगाएंगे, वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पैसे वास में आ जाएगा। और फ्यूचर इंडिफिनिट रहता है तो बिल या सेल के साथ हम बी लगा के थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। और परफेक्ट टेंस रहता है तो हैज हैव, हैड, बिल हैव, सेल हैव, तो उसके साथ हम बीन लगा देते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और कोई भी कंटिन्यूअस रहेगा, इज एम आर, वाज, वर, बिल, बी, सेल, बी, मतलब कोई भी कंटिन्यूअस है, जैसे इज एम आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इनमें क्या हम करते हैं, बींग जोड़ देते हैं, ठीक है। इज बींग, आई एम बींग, आर बींग, इज आई एम आर, वाज, वर के साथ बींग जोड़ के अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं तो वाक्य पैसिव वॉइस माना जाता है। आप देखिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से अच्छे समझ में आ जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो यहाँ देखिए रूल भी दिया गया है सिंपल प्रेजेंट का, जो बता रहे हैं आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं और उसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखिए वाक्य एक और दो, जैसे मैं एक सांप मारता हूँ, तो ये वाक्य टेंस के हिसाब से मैं मार रहा हूँ, मारने का काम कर रहा हूँ, तो आई किल ए स्नेक। लेकिन पैसिव वॉइस में कहा जाएगा, यही देखिए बनाया गया, ए स्नेक ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन गया, ए स्नेक इज लगा दिया गया, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई आई का मी कर दिया गया, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई का मी, विकास, ही का हिम, सी का हर, ठीक है, देखा देम, ये सब होता है। तो मतलब मैं एक सांप मारता हूँ, दूसरे में है सांप मेरे द्वारा मारा जाता है, द स्नेक इज किल्ड, सांप मारा जाता है, इसमें मारता हूँ, इसमें मारा जाता है, दो वर्ब आती है हिंदी में, मारा जाता है, जाना भी जाता, ठीक ना। तो जब दो वर्ब हिंदी वाक्य में आती है तो पैसिव वॉइस होता है, तो पैसिव वॉइस होता है तो इज एम आर के साथ भी हम थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं हिंदी, क्योंकि ताहती है आ रही है, इसीलिए कभी भी हिंदी अगर ताहती है आ रही है तो इंडेफिनिट टेंस की पहचान आ रही है, तो हम इज के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इज एम आर के साथ। दूसरा, मैं उसको एक पेन देता हूँ, आई गिव हिम ए पेन। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए पेन इज बींग इज गिवन टू हिम बाई मी, एक कलम उसको मेरे द्वारा दी जाती है, तो हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बाद में लिखेंगे टू लगा दिया जाता है। और या फिर ही इज गिवन ए पेन बाई मी, या तो हिम को आप ही कर देंगे तो टू हट जाएगा, इनडायरेक्ट पहले लिख दिए उसके बाद इज गिवन ए पेन, तो ये ए पेन आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुरंत आ जाता है, ठीक है, इनडायरेक्ट पहले हो गया सब्जेक्ट में, तो वहाँ टू नहीं लगेगा। जैसे मैं उसे एक कलम देता हूँ तो एक कलम उसके मुझ, हाँ, मेरे द्वारा उसे दी जाती है, या उसे एक मेरे द्वारा एक कलम दी जाती है, बात एक ही। क्या तुम एक उपन्यास पढ़, हाँ, अगला रूल देख लेते पहले। यदि प्रश्नवाचक वाक्य होती जय मार कर्ता के अनुसार सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं, मतलब भाई पहले आ जाएगा, जैसे क्या तुम एक उपन्यास पढ़ते हो, डू यू रीड ए नॉवल, तो पैसे वास जब बनाएंगे तो डू डज रहता जय मार लगाते हैं, तो इज ए नॉवल रेड बाई यू हो जाएगा। अगला रूल कह रहा है कि यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ तो सबसे पहले उसे लगाते हैं, फिर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण नंबर चार देख लेते हैं, जैसे तुम उपन्यास क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू रीड नावल, तो पैसे वास में हो जाएगा वाई, अब नावल को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इज हो जाएगा वाई इज ए नावल रीड बाई यू, ठीक, इस तरह से हो जाता है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब सिंपल पास्ट देखिए, सिंपल पास्ट के मतलब कह रहे हैं कि वाक्यों में वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए वाक्य नंबर एक, जैसे ही रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखा, तो ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, तो वाज के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म है, आईएनजी नहीं है, तो कभी भी जिनके साथ आईएनजी लगना चाहिए उसके साथ भी थर्ड है तो वाक्य पैसिव वॉइस माना जाए, ठीक ना। क्या मैंने एक पत्र लिखा, डिड आई राइट लेटर, तो वाज ए लेटर रिटन बाय मी, क्या एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, ऐसे भी कह सकते हो। अगला है, When did I write a letter? तो when was a letter written by me? इस तरह से हो जाएगा। सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या नियम है, भाई देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में बिल सबसे पहले लगाकर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर भाई बिन को लाते हैं, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उदाहरण नंबर दो, ठीक है, तो इस तरह से इसमें ज़्यादा हम उदाहरण नहीं लिए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मेन पॉइंट ही बताना है, डिटेल आपको एक्टिव पैसे पढ़ा दिया गया है।
ये सभी इसके रूल्स हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ किसमें किसमें क्या क्या लगता है, शॉर्टकट में आप जान लीजिए। अब अगर जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो वर्ब की यस या ईएस फॉर्म आएगी, या तो डू या डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आपको इज एम आर लगा देना है। ठीक, इज एम आर लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सबके साथ लिखना है। उसके अलावा इज एम आर मान लीजिए है, इसके साथ जो है आई एन जी आई एक्टिव वॉइस में, तो आपको इज एम आर के साथ क्या करना है, बींग जोड़ देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगा देना है। हैज या हैव आया है, मान लीजिए हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में आप बींग जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म हैज या हैव के साथ बींग जोड़ देंगे। पास्ट इंडेफिनिट में डिड आए या वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, तो उसका जो है पैसिव वॉइस में वाज या वर लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा करना है। पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वर के साथ बींग आप जोड़ के तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। फ्यूचर इंडिफिनिट बिल पास्ट परफेक्ट में हैड रहेगा तो हैड बीन कर दीजिए, फ्यूचर इंडिफिनिट बिल सेल के साथ बी लगा दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट में बिल हैव सेल हैव के साथ बीन लगा दीजिए। फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो ये सब है, ठीक है ना। देखिए एक्सरसाइज नंबर 22, एक्सरसाइज नंबर 22 में क्या है कि मैं उसको एक पुस्तक देता हूँ, तो आई गिव हिम ए बुक, ये तो एक्टिव वॉइस में है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और फिर उनको पैसिव वॉइस में बदलिए, तो आपको इसको टेंस के हिसाब से बना देना है, उसके बाद पैसिव वॉइस बना देना है पैसिव वॉइस के रूल के अनुसार, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस में इसको मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं सीधे चलिए बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। मैं उसको एक कलम देता हूँ, आई गिव हिम ए पेन, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा ए पेन इज गिवन टू हिम बाय मी। वे फुटबॉल खेल कब खेलते हैं, व्हेन डू दे प्ले फुटबॉल, तो हो जाएगा व्हेन इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम बाय देम। वे अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, दे डू नॉट हाँ रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, तो हो जाएगा देयर पेरेंट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय देम। बढ़ाई ने एक मेज बनाए तो द कारपेंटर मेड ए टेबल, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा ए टेबल वाज मेड बाय द कारपेंटर। क्या उस लड़के ने एक पुस्तक चुराई, डिड दैट बॉय स्टोल ए बुक, तो हो जाएगा वाज ए बुक स्टोलन बाय दैट बॉय। वह यह काम एक सप्ताह में करेगा, ही विल डू दिस वर्क इन ए वीक, तो हो जाएगा दिस वर्क विल बी डन बाय हिम इन ए वीक। वह बाजार से पुस्तक खरीद रहा है, ही इज बाइंग बुक फ्रॉम द मार्केट, तो हो जाएगा द बुक इज बींग बॉट बाय हिम फ्रॉम द मार्केट। तो हो जाएगा क्या रवि अपने छोटे भाई को नहीं पीट रहा है, इज रवि नॉट बीटिंग हिज स्मॉल ब्रदर, तो हो जाएगा या यंगर ब्रदर भी कह सकते हैं, यंगर ब्रदर माने भी छोटा भाई होता है, तो हो जाएगा इज हिज यंगर ब्रदर नॉट बींग बीटन बाय रवि, बस हो गया। हमारे कॉलेज की फुटबॉल हमारे कॉलेज की टीम फुटबॉल खेल रहे थे, तो आवर कॉलेज टीम वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो जगह फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय आवर कॉलेज टीम। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए पुस्तकें खरीद रहे थे, तो वाज योर फादर बाइंग बुक्स फॉर यू, तो जगह वाज बुक्स बीइंग बॉट फॉर यू बाय योर फादर। तो क्या तुम कोई गीत गा रहे थे, वर यू सिंगिंग एनी सॉन्ग, तो जगह वाज इस एनी सॉन्ग बींग संग बाय यू। शेर ने गाय को मार दिया, द लायन हैज़ किल्ड द काऊ, तो जाएगा द काऊ हैज़ बीन किल्ड बाय द लायन। क्या तुमने मेरी पुस्तकें चुराई है, हैव यू स्टोलन माई बुक, तो पास पास हो जाएगा हैज़ माई बुक बीन स्टोलन बाय यू, बहुएक वचन हो जाएगा तो हैज हो जाएगा। क्या उसने तुम्हारी सहायता की है, हैज़ ही हेल्प्ड यू, तो हो जाएगा इसको हैव यू बीन हेल्प्ड बाय हिम। उसने अपना कार्य क्यों नहीं समाप्त किया, वाई हैज़ ही नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा वाई हैज़ हिज वर्क नॉट बीन फिनिश्ड बाई देम, सॉरी उन्होंने, तो मतलब इसमें देखिए एक व्यक्ति के सम्मान के लिए उन्होंने भी हम कहते हैं, और उन्होंने के लिए दे भी लगा सकते हैं, तो दे के हिसाब से बाई देम कर दीजिए, और शुरुआत में भी वाई हैज़ देयर तब हो जाएगा देयर वर्क नॉट बीन फिनिश्ड बाई देम, ठीक है। एक व्यक्ति के लिए भी सम्मान के लिए ही भी लगा सकते हैं, कन्फर्म नहीं है तो आप देख से ही बनाइए। उन्होंने अपना कार्य क्यों नहीं समाप्त किया, वाई हैव दे
नॉट फिनिश देयर वर्क, ये आपका एक्टिव हो जाएगा। पैसुवास को वाई हैव देयर वर्क नॉट बीन, आप देखिए वर्क में यस नहीं जोड़ेंगे तो हैज भी लगा सकते हैं, वाई हैज लगा दीजिए, हैज देयर वर्क नॉट बीन फिनिश्ड बाई देम। वह पुस्तक को पहले ही खरीद चुका था, ही हैड ऑलरेडी बॉट द बुक, हो जाएगा द बुक हैड बीन ऑलरेडी बॉट बाई हिम। चलिए पैसुवास में ये वाक्य शुद्ध रूप से पैसुवास में ही दिया गया, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे छात्र को पढ़ाया जाता है, तो इसमें भले जाता है लेकिन पैसुवास है, किसी के द्वारा ही पढ़ाया जाता है ना, तो इसमें बाई स्टूडेंट बाई टीचर नहीं लिखा गया, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि भाई छात्र है तो टीचर ही पढ़ाएंगे, तो जो चीज़ सबको पता है तो उसको भी बाई के साथ लिखना जरूरी नहीं रहता, जो किसी को नहीं पता है वो भी नहीं लिखना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी कलम चुराया, तब पैसुवास में जाएगा माय पेन हैज बीन स्टोलन, बाई समवन नहीं लिखेंगे क्योंकि पता ही नहीं कौन चुराया, अस्पष्ट करता है, और जो एकदम पता है सबको अस्पष्ट रहता है उसको भी नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ छात्र को पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाना जाना दो बार जाता है, तो उसको हम पैसुवास कहते हैं। तो इसका हो जाएगा द स्टूडेंट इज टाट, इज टाट माने पढ़ाया जाता है, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो पढ़ाया जाता हो जाएगा। पुलिस के द्वारा चोरों को पकड़ा गया, तो द थीप जो माने चोरों को वर काट, काट मीन्स पकड़ा गया, या अरेस्टेड भी कह सकते हो, बाय द पुलिस, उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। तो ये भी इसमें भी है, किसी के द्वारा ही नहीं क्षमा किया जाएगा, तो पता नहीं है किसके द्वारा नहीं क्षमा किया जाएगा। तो ही विल नॉट बी पार्डन्ड, पार्डन माने क्षमा करना, तो इसमें दिया है किताब में ईडी जोड़ देंगे, ही विल नॉट बी पार्डन्ड, उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। क्या उसे एक पत्र भेजा गया, वाज ही सेंट ए लेटर, ये भी पैसुवास में, उसे किसके द्वारा पीटा गया, बाय हुम वाज ही बीटन, उस लड़की के द्वारा गीत गाया जा रहा था, तो द सॉन्ग वाज बींग संग, गीत गाया जा रहा था, पहले इसकी अंग्रेजी लिखा जाएगा बाय दैट गर्ल, उस लड़की के द्वारा, लड़कों के द्वारा मैच खेला जा रहा था, मैच वाज बींग प्लेड बाय द बॉयज, क्या चपरासी को बुलाया जा रहा है, तो इज द प्यून बींग कॉल्ड, क्या चपरासी को बुलाया जा रहा है, तो रहा है तो बींग के साथ थर्ड फॉर्म लग जाता है, इज मार्क्स, इस आदमी द्वारा उस भिखारी को क्यों पीटा जा रहा था, वाई वाज दैट बिगर बींग बीटन बाई दिस मैन। अगला है, क्या पुस्तक तुम्हारे द्वारा लिखी जा रही है, वाज द बुक बींग रिटन बाई यू, तुम्हारे द्वारा, लड़कों के द्वारा मेढकों पर पत्थर फेंके जा रहे थे। तो किसमें, पैसुवास में तो यही बताया ना, एक्टिव वास में करता कोई काम खुद करता है, पैसुवास में बताया काम किसके द्वारा किया जा रहा, लड़कों के द्वारा मेढकों पर पत्थर फेंके जा रहे थे, तो पहले पत्थर फेंके जा रहे थे, इसके अंग्रेजी होगी द स्टोन, स्टोन में यस जोड़ देंगे, स्टोन्स वर बींग थ्रोन, फेंकना कहेंगे टी एच आर ओ डब्ल्यू एन थर्ड फॉर्म, द स्टोन्स वर बींग थ्रोन अपॉन द फ्रॉग्स, मेढकों पर, फ्राग में जोड़ देंगे, बाय द बॉयज, लड़कों के द्वारा, हमारा कार्य समाप्त कर लिया गया है, तो ये भी पैसुवास में किसी के द्वारा ही समाप्त किया, हमारा काम है तो हमारे ही द्वारा समाप्त हो गया, लिखना जरूरी नहीं है। आवर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, तो वर्क में यस नहीं जोड़ेंगे तो वो ये हैज बीन लिख जाएगा, आवर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, बस मरीज को दवा दे दी गई होगी, तो इसको अभी पैसुवास में ही है, किसी के द्वारा ही दी गई होगी, तो द पेशेंट बिल हैव बीन गिवन मेडिसिन, इसकी अंग्रेजी होगी, यह पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा गया है, दिस लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम, क्या नैनीताल जाने से पहले उसकी पुस्तक लिखी जा चुकी होगी, तो फ्यूचर में है, बिल हिज बुक, क्या उसकी पुस्तक हैव बीन रिटन, लिखी जा चुकी होगी, बिल हिज बुक हैव बीन रिटन, हाँ बिफोर ही गोज टू नैनीताल, नैनीताल जाने से पहले, बिफोर के बाद प्रेजेंट इनफिनिटिव टेंस में लिखा जाता था, इधर वाला हम परफेक्ट टेंस का पैसुवास बना दिए, तो इसको हम अदर वर्ड के रूप में बिफोर से जोड़ देंगे सेम टू सेम, ठीक है, बिफोर ही गोज टू नैनीताल, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें ही छिपा है, तो उसकी किस्त अब है तो वही लिखेगा, और प्रेजेंट इनफिनिटिव लिखा जाता है एक बच्चे के साथ, ठीक, तो विल हिज बुक हैव बीन रिटन, ठीक है, और बिफोर ही गोज टू नैनीताल, अब किसके द्वारा ये नहीं बताना इसमें जरूरी, तो अब देखिए इसके बाद चैप्टर नंबर 11 भी है अभी एक्टिव एंड पैसुवास में,
तो ये तो अब तक तो था जो टेंस के आधार पे था। अब जो है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस की भी पैसिव वॉइस आपके कोर्स में है, आ सकती है, इसके एग्जांपल भी दिए हैं, चलिए देख लेते हैं फटाफट इसको भी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देखिए कंटिन्यू मतलब आगे भी लगातार बताया जा रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस की भी पैसिव वॉइस बनती है, जैसे हिंदी में इंपरेटिव सेंटेंस होता है ना, तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी आता है। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव ये सब आते हैं, बल्कि फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डू नॉट या डोंट, ऑलवेज, नेवर, प्लीज, इनसे शुरू होते हैं। जैसे दरवाज़ा खोलो, किसी को आदेश दे रहे हो दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, इसमें तुम छिपा रहता है, यू नहीं लिखा जाता, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन। तो वो ये होता क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इसका सूत्र क्या है कि लेट लगा देते हैं अपनी तरफ से, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। ऐसे वाक्यों में बाय यू लिखना कोई ज़रूरी नहीं रहता है। ठीक भाई, दरवाज़ा खोलो तो दरवाज़ा खुला होना चाहिए, लेट द डोर बी ओपन। मुझे अपने दांत दिखाओ, एक्टिव वॉइस में शो मी योर टीथ, तब जब इसका पैसिव बनाएंगे योर टीथ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या इसमें बताने की जरूरत है, लेट पहले लिखेंगे, अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिख दीजिए, सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है इंपरेटिव में। लेट योर टीथ बी अपने मन से लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म शो का सोन टू मी, शो के साथ टू लिखा जाता है, क्योंकि भाई योर टीथ को आप ऑब्जेक्ट है पहले लिखे हो ना, तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसके पहले इसलिए टू लगा दिया जाता है। गरीबों से घृणा मत करो, डू नॉट हेट द पुअर, तो पैसिव वॉइस में लेट द पुअर नॉट बी हेटेड, तो यही आपको फार्मूला याद करना है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, अगर नहीं है तो नॉट भी लगा देंगे, नहीं तो फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर एडवाइज नॉट टू हेट द पुअर, आपको गरीबों से नफरत ना करने की सलाह दी जाती है, तो यू आर एडवाइज नॉट टू करके पूरा वाक्य जोड़ दीजिए, डू नॉट हटा के, या फिर लेट द पुअर नॉट बी, दोनों से बना सकते हैं। उसे वहाँ जाने को कहो, टेल हिम टू गो देयर, तो पैसिव वॉइस में पहले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट हिम बी, तब टेल का टोल्ड, टू गो देयर जोड़ देंगे। कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, पैसिव वॉइस में हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अगर प्लीज शब्द आ गया एक्टिव वॉइस में तो उसको आप हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दीजिए, बाकी जो कहते हो जोड़ दीजिए आप, ये भी इसकी ठीक है। देखिए यहाँ रूल दिया भी गया जो मैं बताया हूँ, इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बदलते समय लेट से लगाते हैं, बताया आपको, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पूर्व बी का प्रयोग करते हैं, ये भी बताइए एक नंबर और दो नंबर में। देखिए लेट ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, शो मी योर टीथ, लेट योर टीथ बी शोन टू मी। तीसरा रूल क्या आ रहा था इसमें कि हाँ, इसमें नोट है दूसरे में, निगेटिव वाक्यों मॉडर्न इंग्लिश में यू आर एडवाइज का प्रयोग किया जाता है, यू आर एडवाइज टू भी लगा सकते हो सलाह के लिए, एडवाइज मीन्स ऐसे होता सलाह देना, आपको सलाह दी जाती है, जो भी दी जाती है जोड़ दीजिए। रूल नंबर तीन कह रहा है, यदि वाक्य से प्रार्थना प्रकट होती है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वाक्य की हाँ वाक्य की क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बना देते हैं। प्रार्थना में जैसे वही यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से प्लीज गो दिया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो दे, तो बस यू आर रिक्वेस्टेड टू करके वर्ग फर्स्ट फॉर्म तथा अन्य शब्दों को जोड़ देते हैं। तो चलिए पैसिव वॉइस पे आधारित ये इंपरेटिव सेंटेंस पे आपको 10 वाक्य दिए गए हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट। इसको बता रहा है कि चेंज ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश बोथ इनटू एक्टिव एंड पैसिव, कह रहा है कि इसको इंग्लिश में एक्टिव में और पैसिव में दोनों बनाओ, तो एक्टिव में आपको दिया ही गया है तो पैसिव वॉइस आप बना ही सकते हैं। चलिए मैं बता दे रहा हूँ फटाफट। गुरुओं की आज्ञा का पालन करो, गुरुओं की आज्ञा का पालन करो, तो इसका मतलब देखिए दिया गया है आज्ञा का पालन करना, तो ओबे द ऑर्डर्स ऑफ योर टीचर्स, ऐसे कह दो ओबे द ऑर्डर्स ऑफ योर टीचर्स, ऐसे कह दो, या ऐसे कह दो ओबे योर टीचर्स, ओबे माने आज्ञा का पालन करना होता है, ऑर्डर्स लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, ओबे योर टीचर्स या ओबे द ऑर्डर्स ऑफ योर टीचर्स। तो अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा ओबे योर टीचर्स का, तो लेट योर टीचर्स बी ओबेड, लेट से बना दीजिए, जो प्रार्थना वाला है आप उसको यू आर रिक्वेस्टेड टू बना दीजिए, बाकी सभी को लेट से बना सकते हो। कमजोर का अनादर ना करो, डू नॉट इंसल्ट, डिसऑनर किताब दिया अनादर करने के, डू नॉट डिसऑनर द वीक, द वीक माने कमजोर या कमजोर लोग, मेरी घर हाँ, तो डू नॉट डिसऑनर द वीक, तो इसमें पैसिव वॉइस क्या हो गया, लेट द वीक नॉट बी डिसऑनर्ड हो जाएगा, मेरी घड़ी मत छुओ, डू नॉट टच माई वॉच, तो पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो लेट माई वॉच नॉट बी टच्ड, ये हो जाएगा। बच्चों में मिठाई बांट दो,
हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, माने बांटता, किताब में दिया, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट एमंग द चिल्ड्रेन, तो हो जाएगा लेट द स्वीट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द चिल्ड्रेन, ये हो जाएगा। कक्षा में शोर मत करो, डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, तो पैसुवास में हो जाएगा। हाँ, लेट ए नॉइज को आप द नॉइज भी कह सकते, ए नॉइज या द नॉइज, लेट द नॉइज नॉट बी मेड इन द क्लास, इस तरह से हो जाएगा। अपने से छोटों को सदा प्रेम करो, ऑलवेज लव योर यंगर्स, यंगर्स माने अपने छोटे लोग, तो अब इसको ऐसे भी कह सकते, लेट योर यंगर्स बी ऑलवेज लव्ड, ठीक है, लेट योर यंगर्स बी ऑलवेज लव्ड, या यू आर एडवाइज टू लव योर, टू ऑलवेज लव योर यंगर्स, ऐसे भी कह सकते हो। सातवां, बुरे लड़कों की संगत में मत रहो, डू नॉट लिव इन द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, कंपनी मैंने साथ होता है, किताब में दिया भैया, तो इसको ऐसे भी, लेट द कंपनी ऑफ बैड बॉयज नॉट बी लिव्ड, ऐसे भी कह सकते हो। प्रतिदिन प्रातः काल ईश्वर की प्रार्थना करो, तो प्रे टू गॉड, ठीक है, एवरी डे इन द मॉर्निंग, या इन द मॉर्निंग एवरी डे भी कह सकते हो। तो लेट ऐसे कह सकते, लेट द गॉड बी प्रेड एवरी डे इन द मॉर्निंग, इस तरह से हो जाएगा। कृपया इस दरवाजे के अंदर आओ, प्लीज़ कम इन थ्रू दिस टूर, इस दरवाजे से, प्लीज़ कम इन थ्रू दिस टूर, लेट, हाँ लेट से नहीं बन पाएगी, प्लीज है तो कृपया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, सुने, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन थ्रू दिस डूर, इस तरह से हो जाएगा। अपना काम सदैव सावधानी से करो, ऑलवेज, हाँ, डू योर वर्क केयर फुल्ली, ऑलवेज डू योर वर्क केयर फुल्ली, तो इसका पैसे पास हो जाएगा, लेट योर वर्क बी डन ऑलवेज केयरफुली, या लेट योर वर्क बी ऑलवेज डन केयरफुली, ऑलवेज मेन वर्ब से पहले लगा सकते हो आप, ठीक है, या यू आर एडवाइज टू टू ऑलवेज डू, यू आर एडवाइज टू डू योर वर्क ऑलवेज केयरफुली, ऐसे भी कह सकते हो, यू आर एडवाइज टू ऑलवेज डू भी कह सकते हो, टू ऑलवेज डू योर वर्क केयरफुली, ऐसे भी कह सकते हो। अगला है, हाँ तो ये तो हो गया पैसुवास में बता दिए, तो इस तरह से आपको पैसुवास का चैप्टर समाप्त हो गया। अब आपको अगले वीडियो में आपको चैप्टर 12 पढ़ा दिया जाएगा, तो ये ठीक है, एक बार हम उसको पढ़ाए भी हैं, इसकी एक्सरसाइज कराना है आपको, तो एक्सरसाइज भी मैं करा दूंगा, उसके बाद उसी एक्सरसाइज में हम, जो लोग नहीं पढ़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, रूल और एक्सरसाइज आपकी, आपको दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद फिर अगले चैप्टर पे आएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ऑन रखें, घंटी दबा के सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।